सो हेलो व्यूअर्स, ई टेट्रा होम की एक और नई कमाल की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिड रेंज के जितने भी एलईडी टीवी आते हैं ना, उनमें आपको 20 से 40 वॉट तक के साउंड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक डिसेंट क्वालिटी तक प्रोवाइड कर ही देते हैं। बट अगर आप एक म्यूजिक लवर हो या फिर मूवीज देखने का शौक रखते हो, तो आपको डेफिनेटली एक होम थिएटर तो ले ही लेना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5,000 रुपीज की बजट रेंज के अंदर 5 ऐसे बेहतरीन होम थिएटर स्पीकर्स बताने वाला हूँ, जिनमें आपको कमाल के लाइटनिंग लुक्स के साथ साथ एक अच्छी खासी ऑडियो क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो में इंक्लूडेड सारे प्रोडक्ट्स है ना, उनकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इनमें से कोई सा भी होम थिएटर आप सबसे कम दामों में अपना बना सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पे आती है स्ट्रॉनिका किंग सीरीज का 5.1 ब्लूटूथ मल्टीमीडिया स्पीकर, जो कि FM, पेन ड्राइव, SD कार्ड, मोबाइल, ऑक्स केबल, एक तरह से सारे ऑडियो इनपुट्स को ये मल्टीमीडिया स्पीकर्स एक्सेप्ट करता है। इस मल्टीमीडिया स्पीकर में आपको पूरे 5 सेटेलाइट स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि 44 वॉट के हैं। 5.1 के ऑडियो आउटपुट को सपोर्ट करने वाले इन स्पीकर्स की साइज आपको 4 से 5 इंचेस की देखने को मिल जाएगी। और ये स्पीकर्स रिमोट कंट्रोल भी है। 3500 वॉट का बिल्कुल बढ़िया वूपिंग साउंड आपको इन स्पीकर्स में देखने को मिलेगा। और इन स्पीकर्स की सबसे खास बात है, ये स्पीकर्स बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। 2300 रुपीस की प्राइस रेंज में आपको ये स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि यार बहुत ही कमाल की बात है। सो अगर आप लोग एक ऐसा टीवी यूज कर रहे थे ना, जिसकी प्राइस रेंज 50 to 20,000 रुपीस के आसपास की हो, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन स्पीकर होने वाला है। आपका ऑडियो एक्सपीरियंस पूरी तरह से चेंज कर देंगे स्पीकर। वारंटी की बात करूँ तो 1 साल की वारंटी आपको इस स्पीकर पर मिल जाएगी। अब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट 2,000 रुपये के आसपास का है ना, और आपको एक स्पीकर चाहिए, तो आप आग बंद करके ये स्पीकर ले सकते हो। सारे के सारे ऑडियो इनपुट्स को सपोर्ट करने वाले ट्रॉनिका सीरीज के ये मल्टीमीडिया स्पीकर्स आपको केवल और केवल 2,200 रुपीस के अमेजन पर मिल जाएंगे, और इस प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। लिस्ट में नंबर 4 पे आता है जबरोनिक्स ब्लूटूथ 4.1 स्पीकर। अब मैं आपसे लुक्स की बात करूँ ना, तो ये स्पीकर्स बहुत ही कमाल के लुक्स के साथ में आते हैं यार। जबरोनिक्स के इस 4.1 चैनल स्पीकर को आप वायरलेसली भी कंट्रोल कर सकते हो। LED डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि इसे बहुत ही कमाल का लुक देता है। मदर स्पीकर के साथ साथ आपको इसके बाकी सारे स्पीकर्स में भी LED लाइट देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर जो वूफर साउंड होने वाला है ना, वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि 16 सेंटीमीटर तक के सब वूफर आपको इस स्पीकर में देखने को मिल जाते हैं। कंपोनेंट्स की बात करूँ ना, तो आपको इस स्पीकर के साथ में एक सब वूफर, 4 सेटेलाइट स्पीकर, एक रिमोट कंट्रोल, एक इनपुट केबल और एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है। सो अगर आप लोगों को एक नॉन ब्रांड का स्पीकर चाहिए ना, तो जेब्रोनिक्स के इस स्पीकर की तरफ आप जा सकते हैं। 4,900 रुपीस का ये स्पीकर आपको अमेजन पर मिल जाएगा। लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं बहुत ही कमाल के आईबेल की तरफ से आने वाले आईबेल कैस्टर 2060 DLX 5.1 होम थिएटर सिस्टम। इस होम थिएटर में आपको 5.1 चैनल मल्टीमीडिया का सपोर्ट देखने को मिलता है, और 140 वॉट के RMS स्पीकर आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही कंपनी का यह दावा है कि इस स्पीकर में आपको कंपैरेटिवली 5,000 रुपीस की रेंज के अंदर सबसे बेहतरीन सुपर बेस आउटपुट देखने को मिलेगा। सभी डिवाइसेस के अंदर आप इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं पैकेज की और अगर मैं इंक्लूडेड कंपोनेंट्स की बात करूँ ना, तो आपको इस होम थिएटर के साथ में सब वूफर स्पीकर, सैटेलाइट स्पीकर, ऑडियो केबल, यूजर मैनुअल, रिमोट कंट्रोल और एक FM एंटीना भी देखने को मिल जाता है। अब मैं आपसे वारंटी की बात करूँ ना, तो 1.5 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिल जाती है। अगर प्राइस की बात करें ना, तो आईवेल का ये होम थिएटर आपको 5,000 रुपीस का अमेजन पर मिल जाएगा, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को आप घर बैठे बैठे अपना बना सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पे आता है JBL की तरफ से आने वाला इन्फिनिटी हार्ड रॉक 210D बेस 2.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर, जो कि 100 वॉट के स्पीकर आउटपुट के साथ में आता है। साथ ही इस प्रोडक्ट का जो मदर स्पीकर है ना, वो बहुत ही कमाल का है यार। अब मैं आपको बता दूं कि इस होम थिएटर में आपको कोई भी एडिशनल फैंसी लुक देखने को नहीं मिलते। सो अगर आप तो एक ऐसा होम थिएटर चाहते थे ना, जिसमें ऑडियो आउटपुट के साथ साथ कमाल के लुक्स भी हो, और तो आप नंबर 3 पे दिए गए आईवेल के स्पीकर की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको सही में क्वालिटी चाहिए ना, तो मैं आपको बता दूं कि JBL के जितने भी होम थिएटर होते हैं ना, वो अपने पावरफुल थंपिंग बेस के लिए बहुत ही मशहूर है यार। 2.1 चैनल का मल्टीमीडिया स्पीकर आपको इसमें मिलेंगे, जिनका आउटपुट 100 वॉट तक का है। 6.5 मीटर का सबवूफर आपको इस स्पीकर में देखने को मिलेगा। साथ ही इस होम थिएटर में आपको पूरे 3 इक्वलाइजर मोड देखने को मिलते हैं, जो कि ऑडियो के आउटपुट को मूवीज, म्यूजिक और गेमिंग में अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप टीवी पे गेम्स भी खेलते हो ना, तो ये होम थिएटर तो आप मंगा ही लीजिए।
कनेक्टिविटी की बात करूँ ना, तो आपको इसके अंदर केवल ऑक्स कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। JBL के इस स्पीकर का प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत अच्छा है यार, 4000 रुपीज का ये स्पीकर आपको Amazon पर मिल जाएगा। हमारी लिस्ट में नंबर वन पे आता है Philips की तरफ से आने वाला बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली Philips SPA-404 मल्टीमीडिया स्पीकर, जो कि 5.1 सराउंड साउंड के साथ में आते हैं। इस स्पीकर का जो इमर्सिव साउंड है ना, वो बहुत ही कमाल का है यार। मतलब बेस, ट्रिबल, आपको सब बैलेंस मिलेगा इस स्पीकर में। USB सपोर्ट, SD कार्ड सपोर्ट, AUX सपोर्ट और बाकी सारे ऑडियो इनपुट सपोर्ट आपको इस स्पीकर में देखने को मिल जाएंगे। इस स्पीकर के साथ में आपको एक FM ट्यूनर भी देखने को मिलता है, जो कि 1 साल की वारंटी के साथ में आता है। 45 वॉट का ऑडियो आउटपुट आपको इस स्पीकर में देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा तो डिसअपॉइंटिंग है यार। इस स्पीकर की फीचर है ना, वो नंबर 3 पे दिए गए IBEL के स्पीकर की फीचर्स के जितने अच्छे नहीं है, बट नंबर 1 पे मैंने इस स्पीकर को इसलिए रखा है क्योंकि Philips की इन स्पीकर्स की यूजर रेटिंग बहुत ही अच्छी है यार। सारे डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल वाले ये Philips के स्पीकर आप मंगा सकते हैं। 4900 रुपीज के ये स्पीकर आपको Amazon पर मिल जाएंगे। सो ये थे कुछ होम थिएटर जो कि 5000 रुपए की बजट रेंज के अंदर आते हैं। आपको इनमें से कौन सा होम थिएटर पसंद आया और कौन सा लेने वाले, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।